स्टूडेंट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे अपना आठवां चैप्टर अशोक का हृदय परिवर्तन उपन्यास अंश है ये, और इसके लेखक है यशपाल। हमने इसके पहले आपको ग्रामर पढ़ाए थे, दसम तत्व, देशज और विदेशी शब्द। तो इसमें आपको क्या करना था, हमने बता दिए थे पहले कि आपको शॉर्टकट में तत्सम शब्द की परिभाषा, तत्व शब्द की परिभाषा है ना, और उनके जो शब्द है कुछ वो आपको कॉपी में नोट करना है, चेक करवाना है ना, कुछ कुछ आपको लिखना है। जैसे ये दिया है आपका है ना, इसमें से परिभाषा लिखना है तत्सम की, तत्व की, देशज और विदेशी की, और उसके कुछ कुछ शब्द जो है आपको लिखना है। जैसे हमने कल ही बता दिया था, तो आप लोग उसको लिख के सेंड करेंगे है ना। अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं आज अशोक का हृदय परिवर्तन, जिसमें हम यशपाल जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला है जीवन परिचय में, इनका जन्म कब हुआ था, 3 दिसंबर 1903 फिरोजपुर पंजाब में, मृत्यु हुई थी 1976। रचना में झूठा सच, दादा कॉम्रेड, अहिंता, और उसके साथ साथ ही मनुष्य के रूप है ना, और देशद्रोही आपके चर्चित क्या है, उपन्यास। ये क्या है, उपन्यास का एक अंश है ना। अब देखिए सबसे पहले हम जीवन परिचय आपको बता रहे हैं। यशपाल जी का जन्म, अंडरलाइन करते जाइएगा आप लोग जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 में फिरोजपुर पंजाब एवं मृत्यु 1976 में हुई। कॉलेज में अध्ययनरत, यहाँ तक के तो आप लोग अंडरलाइन करेंगे है ना, इसमें से दो क्वेश्चन बन जाएंगे जन्म और मृत्यु वाले। अब आगे देखिए, कॉलेज में अध्ययनरत रहते हुए आपका संपर्क क्रांतिकारी भगत सिंह सदा सुखदेव से हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉलेज में जब ये अध्ययन कर रहे थे तब इनका संपर्क किससे हुआ, तो क्रांतिकारी भगत सिंह तथा सुखदेव से हुआ। इसके बाद इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय योग देते हुए कई बार जेल भी गए। जेल से बाहर आकर इन्होंने विप्लव मासिक पत्रिका निकाला, जो थोड़े ही दिनों में काफी लोकप्रिय हुई। तो अब यहाँ पर पूछ सकता है कि जेल से जब यशपाल जी बाहर आए तो उन्होंने कौन सी पत्रिका का को निकाला, तो विप्लव पत्रिका। ये 3 क्वेश्चन बन गए इसमें से। अब देखिए आगे पैराग्राफ, अगला पैराग्राफ। यशपाल जी में लिखने की प्रवृत्ति विद्यार्थी काल से ही है, पर उनके क्रांतिकारी जीवन में उन्हें अनुभव संबद्ध किया और अन्य संघर्षों से जूझने पर बल दिया। फिर अगला पैराग्राफ देखिए, इनके लेखन का आरंभ कहानीकार के रूप में, मतलब इन्होंने पहले कहानी लिखी। इनके लगभग 1 दर्जन कहानी संग्रह प्रकाशित हो गए। ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनके लेखन का प्रारंभ कहाँ से हुआ, कहानी से, और उन्होंने कितनी कहानियां लिखी, 1 दर्जन है ना। यशपाल मुख्यतः मध्यम वर्गीय जीवन के कलाकार हैं और इस वर्ग से संबद्ध उनकी कहानियां बहुत ही मार्मिक बन पड़े हैं। मध्यम वर्ग की असंगतियों, कमजोरियों, विरोधाभासों, रूढ़ियों आदि पर इतना प्रबल आघात करने वाले कहानीकार बिरले ही, यानी मध्यम वर्ग से संबंधित इन्होंने कहानियां लिखी है। उसके बाद आगे देखिए लास्ट वाला पैराग्राफ, इन्होंने संस्मरण, निबंध, रेखाचित्र भी लिखी है, यानी निबंध भी, कहानी भी लिखी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण और रेखाचित्र, 5 चीजें लिखी, कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र। यशपाल द्वारा रचित झूठा सच उपन्यास का हिंदी के कथा साहित्य में प्रमुख स्थान है। इनकी कौन सा उपन्यास जो है उसका प्रमुख स्थान है, तो झूठा सच। इसके अतिरिक्त दादा कॉम्रेड, मनुष्य के रूप, अमिता, देशद्रोही आपके बहुत चर्चित उपन्यास है ना। ये इनका जीवन परिचय हो गया, और आपको मतलब जीवन परिचय जब लिखोगे तो इसके जो मुख्य पॉइंट है उसमें जन्म, मृत्यु, कॉलेज में संपर्क, इनका संपर्क किससे हुआ, तो भगत सिंह से और क्रांतिकारी सुखदेव से। फिर इन्होंने जेल से जब बाहर आया तो कौन सी पत्रिका निकाली, विप्लव। फिर उसके बाद इन्होंने अपना जो लिखने का प्रारंभ किया वो किससे कर, कहानी से। कहानियां कितनी लिखी, 1 दर्जन। उसके बाद कहानियां जब लिखते थे तो किस प्रकार की, मध्यम वर्ग से संबंधित। फिर इन्होंने उपन्यास, कहानियां और संस्मरण, रेखाचित्र और निबंध लिखा। उसके बाद झूठा सच जो है इनका प्रमुख उपन्यास है। उसके अलावा दादा कॉम्रेड, अमिता, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, ये सब इनके अन्य उपन्यास चर्चित उपन्यास। यहाँ इनका जीवन परिचय समाप्त हो गया है। अब केंद्रीय भाव हम आपको बता दे रहे हैं कि अशोक, महान सम्राट अशोक जो है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए इस उपन्यास अंश में कलिंग विजय के उन्माद से ग्रस्त, यानी कलिंग का जो विजय हुआ था, विजय कलिंग के विजय के उन्माद से यानी खुशी से ग्रस्त सम्राट अशोक की हिंसक वृत्ति को दर्शाया गया है। मतलब बोला गया है कि यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास और इस अंश में, अंश यानी भाग में, कलिंग विजय के उन्माद से ग्रस्त है ना, कलिंग
जो है वो विजय हो गए थे, उसके उन्माद से ग्रस्त अशोक सम्राट की हिंसक वृत्ति को दर्शाया गया, यानी सभी को मारना काटना इस प्रकार का काम वो करता है। विजय हो गया, कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली है इन्होंने, इसीलिए उससे ग्रस्त होकर ये क्या करते हैं, हिंसक प्रवृत्ति इनकी मारने काटने की बढ़ गई। बालिका द्वारा किए गए अबोध तथा मर्म स्पर्शी प्रश्न अशोक को उद्वेलित करते, एक छोटी सी बालिका है जिसका नाम है अमिता, है ना। तो उस बालिका, जब वह बालिका अशोक से प्रश्न करती है तो वह उनका जो हृदय जो है परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए पाठ का नाम क्या रखा है, अशोक का हृदय परिवर्तन, जिससे वह अंततः अहिंसक होने का संकल्प लेता है। फिर वो बालिका से, मतलब बालिका जब उनसे कुछ प्रश्न पूछती है तो उससे वो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है अशोक का, और उसके बाद वो संकल्प लेता है कि कभी हिंसा वाली प्रवृत्ति को नहीं अपनाएगा, मतलब कि अहिंसक बन जाएगा, मतलब मार काट लड़ाई झगड़े नहीं करेगा। कलिंग की रानी अमिता की सरलता सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कर देती है, यानी ये जो कलिंग की रानी अमिता जिसका नाम छोटी सी एक बालिका है ना, तो उसका क्या कर देती है, हृदय परिवर्तन। तो उसी के बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, है ना। आपको समझ में आया होगा कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया यह उपन्यास है, और इसमें कलिंग पर जब विजय प्राप्त कर लेता है अशोक, तो उसके उन्माद से ग्रस्त होकर वह हिंसक प्रवृत्ति का बन जाता है, लड़ाई झगड़े मारपीट करने वाला। फिर जो अमिता है, कलिंग की महारानी अमिता छोटी सी बालिका है, वो क्या करती है, अशोक से जब प्रश्न पूछती है तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और उसके बाद से वह लड़ाई झगड़े की हिंसक प्रवृत्ति को छोड़कर अहिंसक बन जाता है, और इस प्रकार उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो आगे की जो उपन्यास का अंश या कहानी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में यही समाप्त करें। धन्यवाद बच्चों।